हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको बहुत ही फेमस क्रीम के बारे में बताएंगे जिसका नाम है अरीना गोल्ड। तो आप सब ने वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है, क्योंकि मैं बहुत ही फेमस क्रीम के बारे में बताता हूँ, तो आप सब ने एंड तक वीडियो को देखना है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं उस क्रीम का नाम क्या है। तो ये देख ले, इस क्रीम का नाम है अरीना गोल्ड और बहुत ही ज़्यादा फेमस क्रीम है। और हमारी जो शॉप है उसमें हमारे पास तकरीबन हफ्ते में 50 पीस भी बिक जाते हैं। और इसकी अभी आपको पैकेजिंग के बारे में आपको पैकेजिंग दिखाते हैं, तो आपने पैकेजिंग देखनी है और प्राइस भी देखनी है और क्रीम का हम आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। ओके, तो ये देख ले इसकी पैकेजिंग। अरीना गोल्ड ब्यूटी क्रीम है, बहुत ही फेमस क्रीम है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा चलती है आजकल के दौर में। और आजकल लड़कियां बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने कलर से, तो ये अरीना गोल्ड यूज़ करें। तो हम आपको बताएंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसकी पैकेजिंग आपको पूरा दिखा देते। पहले ये देख लें, इसका यूज़ करने का तरीका भी इसके पीछे मेंशन है। और अब ये देख लें, ये पूरा लिखा हुआ है। और इसकी जो अब पैकेजिंग अंदर से आपको दिखाते हैं और इसकी जो प्राइस है वो भी मेंशन है पीछे, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। ये इसकी प्राइस है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और बहुत ही ज़्यादा फेमस क्रीम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। और इसमें ज़्यादातर लोकल टाइप भी आते हैं, तो लोकल से प्रेस करें, क्रीम वो यूज़ करें जो कि ओरिजिनल हो। और बहुत ही, ये देख ले पीछे ये लिखा होता है, इसमें देख ले ये कब बना था, ये देख ले ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। और अब हम आपको क्रीम को खोल के दिखा देते हैं। ओके, तो हम आपको अभी ये पूरा पैकेजिंग पहले दिखा देते हैं कि पैकेजिंग कैसी है। ये देख लें, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है इसकी और बहुत ही ज़्यादा फेमस क्रीम है। अरीना गोल्ड का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ये आप लोग हर फेस पर लगा सकते हैं, ऑयली फेस हो, कोई भी फेस हो, आप उस पर ईजीली यूज़ कर सकते हैं। तो हम आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देते हैं और इसको यूज़ कैसे करना है। इसको जब यूज़ करना है, इसको रात को यूज़ करना है, तकरीबन आप रात को इसको 11 बजे 10 बजे 9 बजे भी आप लगाए, तो इंशाल्लाह आपको कल सुबह इतना अच्छा रिज़ल्ट देगा और एक हफ्ते के अंदर आपको ये रिज़ल्ट देगा। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है और इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले इसका टेक्सचर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं अपने हाथ पर ये लगाऊंगा थोड़ी सी क्रीम। ये देख लें, आप ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर का कलर देख लें। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर है। ये आपको बहुत ही प्यारा कलर देगा, बहुत ही प्यारा। अगर आप इसमें वो वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ करेंगे तो उससे बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट आपको देगा। कलर देखे मैंने सिर्फ थोड़ा सा लगाया है, कलर देख लें। और बहुत ही ज़्यादा फेमस क्रीम है, तो आप इसको अगर यूज़ करेंगी तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ये क्रीम यूज़ करें। और वाइटनिंग कैप्सूल भी आपको दिखा देते हैं, वाइटनिंग कैप्सूल इसमें यूज़ करेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा। और जब भी क्रीम को यूज़ करो उससे पहले अपने फेस को अच्छी तरह वॉश कर लो। और जब आपका फेस वॉश हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, फिर अच्छे से साफ से टॉवल से उसको थोड़ा सा साफ कर ले, फिर उसके बाद आप क्रीम यूज़ कर ले। ओके, तो हम आपको ये वाइटनिंग कैप्सूल भी दिखा देते हैं कि वाइटनिंग कैप्सूल डाल के इसमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ओके, ये वाइटनिंग कैप्सूल है, आपको कहीं से भी मिल जाएगी ये वाइटनिंग कैप्सूल। देख ले वाइटनिंग कैप्सूल, आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। आप दोनों एक क्रीम के डब्बे में आप 2 से 3 कैप्सूल आप डाल सकती हैं। ओके, और अगर आपको और अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप 4 भी डाल सकती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और क्रीम को जब भी यूज़ करना है तो बहुत एहतियात से यूज़ करना है, बहुत ही कम यूज़ करना है, तो क्योंकि स्टार्टिंग में क्रीम अक्सर लड़कियां बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, तो इस वजह से क्रीम रिज़ल्ट वो नहीं देती है, डायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट करती है। तो इस वजह से कोशिश किया करें कि क्रीम को जब भी यूज़ करें तो थोड़ा सा कम स्टार्टिंग में यूज़ करें, और इसके बाद जो अगर आपको रिज़ल्ट मिलता है, अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो तब आप बहुत ही ज़्यादा, आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ भी कर सकती हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू।